नमस्कार, फूड क्रेविंग्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। तो आज की यह रेसिपी में हम देखेंगे कि चकली का प्रीमिक्स कैसे बनाना है और उस प्रीमिक्स से चकली कैसे बनानी है। तो यहाँ पे हमने एकदम खस्ता और कुरकुरी चकली बना के तैयार की है। तो ये चकली बनाने के लिए हमें चाहिए चावल। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चावल लिया है। यहाँ पे मैंने पुराना वाला चावल यूज़ किया है, पुराने चावल से बहुत ही अच्छी चकली बनती है। 200 ग्राम चना की दाल ली है, 50 ग्राम उड़द की दाल ली है और 100 ग्राम मूंग की दाल ली है। अब हमें चावल को अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसका पाउडर वगैरह सब निकल जाए। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। इसको हम कॉटन के कपड़े के ऊपर सूखने के लिए रख देंगे। हमें इसको पंखे में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है। इसको सूखने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं। इस हाथ से ऐसे फैला देंगे अच्छे से। अब हम चावल को भी, चना दाल को भी धो लेंगे अच्छे से। और जो हमने बाकी की दो दाल ली थी, मूंग और उड़द की, उसको भी अच्छे से धो के वॉश कर लेंगे और सूखा देंगे। यहाँ पे हमने लिया है 100 ग्राम पोहा, 25 ग्राम कोरिएंडर सीड, 20 ग्राम जीरा और 50 ग्राम साबूदाना। ये देखो, ये कपड़े पे मैंने सभी चावल और दाल धो के सूखने के लिए अच्छे से रख दी है। 3 से 4 घंटे के बाद ये सूख के तैयार हो जाएंगी। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे कोरिएंडर सीड और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। हल्की सी खुशबू आने लगे तो उसको निकाल लेंगे। जीरे को भी हम रोस्ट कर लेंगे 1 मिनट के लिए। फिर अब हम इसमें डालेंगे पोहा। पोहा को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम साबूदाना। साबूदाना को रोस्ट होने के लिए 2 मिनट लगते हैं। इसका कलर चेंज नहीं करना है हमें, सिर्फ इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है लो फ्लेम पे। अब 3 से 4 घंटे के बाद हमारी जो दाल और चावल थे वो भी अच्छे से सूख के तैयार हो गए हैं। वन बाय वन करके हम इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मूंग की दाल डाली है, उसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे उड़द की दाल। आप चाहे तो उड़द और मूंग की दाल एक टाइम पे ही डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने अलग अलग रोस्ट किया है, आप एक साथ ही रोस्ट कर सकते हो। फिर डालेंगे चना की दाल। चना के दाल को थोड़ा टाइम लगता है तो इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसको हल्का सा गर्म करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावल को भी 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। जब ये रोस्ट हो जाता है तो ये टूटने लगता है, तब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने पूरा दाल और चावल और मसाले रोस्ट कर लिए हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे, या आप इसको चक्की पे भी जाके पीस सकते हो। यहाँ पे मैंने चक्की पे पीस के लाया है इसको। ये देखो, अच्छा सा बारीक एकदम पीस के लाया है। यहाँ पे हमारा 1 किलो का आटा तैयार हुआ था, उसमें से मैंने आधा किलो का आटा लिया है। और आधा किलो का आटा हम 5 से 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। उसमें डाला है हमने नमक स्वादानुसार। फिर डालेंगे हम अजवाइन 1 चम्मच। उसको अच्छे से हाथ पे पीस लेंगे। अब हम उसमें डालेंगे व्हाइट तिल। लहसुन की पेस्ट, अच्छे से बारीक किया है लहसुन को। हल्दी और 2 से 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप कम ज़्यादा कर सकते हो आपके स्वाद के अनुसार। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 4 चम्मच तेल। आधा किलो के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 4 छोटे चम्मच तेल। तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, फिर इसमें डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे गुनगुना पानी। यहाँ पे मैंने पानी को अच्छे से गुनगुना गर्म कर लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे इसमें। इस
तरह से हमें आटा लगा लेना है। आटा बहुत ज़्यादा सख्त या नरम नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज़ का आटा यहाँ पे होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और आटा लगा लेंगे। देखो यहाँ पे हमारा आटा बनके तैयार है, मीडियम तरह का आटा बना है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और नरम भी नहीं है। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है इडली स्टैंड, अब हम इसमें ये लोई डाल देंगे। मैंने स्टैंड को अच्छे से ग्रीस कर लिया था, इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि कुछ भी एयर ना रहे। और अब हम चकली डालेंगे। देखो बहुत ही अच्छी चकली बन रही है, इस तरह से गोल गोल करके घुमाना है, चकली बना लेना है। यहाँ पे मैंने एक टाइम पे 4 से 5 चकली बना के तैयार की है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा करके ही चकली बनाना है, फ्राई करना है। और हमें इसमें डालना है गरम तेल में, बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं है, मीडियम टू लो हीट पे इसको गरम करना है। फिर इसमें चकली डालना है, इसको डालते टाइम एकदम से नहीं पलटना है, 1 मिनट के बाद पलटना है। चकली को पकने के लिए 3 से 4 मिनट लगते हैं। यहाँ पे हमारी चकली पक के तैयार है। इस तरह से हम पूरी चकली फ्राई कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे पूरी चकली फ्राई होकर तैयार है, एकदम ही अच्छी लग रही है, कलर भी बहुत सुंदर आया है। तो आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हो कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।